Hey everybody, welcome back to the channel. This is me, Rajbir Sisodia. And guys, ये मेरे दो यार और ये मेरी थार. बड़े दिन से नाराज हो रही है, 12 दिन से कह रही है भाई. 12 दिन से ना ज्यादा हो गए. 12 दिन क्या, 15-17 दिन हो गए. कह रही है हम जो तुम जो रोज रोज सना मैच करोगे, हम जो रुड़ जाएंगे तो आने भरोगे. तो आज हम इसे देने जा रहे हैं मॉडिफिकेशन पे. और ये लेके चल रहा है मयंक, और इसके अंदर भी थोड़ी सी मॉडिफिकेशन होनी है. हमारा बुरा भाई, तीन लोग तीन गाड़ी काफिला सिस्टम. कोई रास्ते मिलता हो तो मिल जाइए भैया, ठीक है. तो अब इसको जरा हम थोड़ी सी मॉडिफिकेशन पे देते हैं, क्योंकि रुकी रुकी मजा आ रहा है. अरे इसमें मॉडिफिकेशन न करवा सके हाथ. तो भाई ये रही आगे हमारी थार, इधर हमारी रेंज रोवर, और पीछे हमारे X4. जल्दी से चल रहे हैं, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन इसमें करा लें, बहुत मजा आने वाला है. फिर भाई देखो, फाइनली हम पहुंच गए, और यहाँ गाड़ी घुसने की भी जगह नहीं है. इतनी गाड़ियाँ खड़ी हैं ऑलरेडी लाइन में, सारी गाड़ियाँ मॉडिफाई हो रही है. ऑटो मार्क ये है लाजपत नगर के पास. और इस गाड़ी को तुम नज़र में उतार लो, ये कैसी लग रही है और मॉडिफाई होने के बाद कैसी लगेगी वो मैं तुम्हें दिखाऊंगा, ठीक है. जिस भी मेरे भाई के घर में बहुत सारे नोट हों और काई लग रही हो, इन दोनों को दोस्त बना लो. ये गाड़ी खरीदने में और ये गाड़ी को मॉडिफाई करवाने में रखा पैसा कभी डबल नहीं होता, कभी डबल नहीं होता. तो किसी के भी घर में वो लग रही हो ना, तुम अगर नेता हो गया छोड़ दो. और अभी ये गाड़ी खरीदने में और ये गाड़ी को मॉडिफाई कराने में जितना पैसा फूक सकते हो ना, जितना तुम्हारे पिछवाड़े में दम हो, जिसे यूं कहते हो पैसा खर्च ना हो रहा, उतना खर्च करो. ये बहुत हेल्प करेंगे तुम्हारी पैसा खर्च करवाने. तो भाई ऐसा गाड़ी को छोड़ने का टाइम आ गया है, और जितना काम मुझे कराना था वो कह रहे हैं भैया इतने आप सोच रहे हो एक दिन में काम हो जाएगा, ये काम है. 11 चीज़ें होनी है, टायर चेंज होने हैं, पढ़ लेना बाद में. तो ये सारी चीज़ें होंगी, तो भैया कह रहे हैं भैया कम से कम 6-7 दिन का काम है, 6-7 दिन के बाद आपको गाड़ी मिलेगी. तो अभी यहाँ से चलेंगे जिम, और 6-7 दिन बाद जब गाड़ी लेने आएंगे तो आपको दिखाएंगे एक बार, नज़रों में उतार लो आप गाड़ी. इसको अभी अलविदा कर देते हैं. अभी हमारी गाड़ी कुछ इस तरह की लग रही है, सब चेंज होने वाला है इसमें, ठीक है. तो भाई बिल बन गया हमारा 1,00,000 का, जिसके अंदर अभी अलॉय नहीं है, टायर नहीं है. टायर मानो कम से कम 60,000 के, और अलॉय अगर डलवाने हुए तो अलॉय मानो कम से कम 1.5-2 लाख के, तो वही 3-3.5 लाख रुपए इसमें भी ठुकेंगे. लेकिन गाड़ी चलाने में मज़ा आ जाएगा. अब मैं जा रहा हूँ जिम में चल के आपको मिलते हैं, चलो. तो गाइस गाड़ी छोड़ के हम आ गए हैं जिम, और सुबह से भागा दौड़ी में थक ना गए हैं कि अभी मील लेने का टाइम नहीं है. तो हम हमारे प्री वर्कआउट मील में, जैसे मैंने पहले ही बताया रूपल भाई वाले वीडियो में, हमको वर्कआउट से पहले अच्छा काफ चाहिए होता है, अच्छी एनर्जी चाहिए होती है, थोड़ा फुल फील करें ताकि ड्यूरिंग वर्कआउट हमारी बॉडी में एनर्जी बनी रहे और हम वर्कआउट अच्छा परफॉर्म कर पाएँ. तो इसलिए इसको मैं ले रहा हूँ कार्बोहाइड्रेट्स के तौर पर मेरे प्री वर्कआउट में, क्योंकि यार थके हुए हैं ना, खाने के इतना टाइम है, खाने जाएंगे तो जिम बंद हो जाएगा और सारा एडवाइस ही बदल लिया. ये जो हम ले रहे हैं ये हमारे डॉक्टर चॉइस का बल्क किंग, इसको हमारे जो एथलीट भाई हैं या जो एडवांस लेवल पर लोग हैं वो भी ले सकते हैं ड्यूरिंग वर्कआउट में अपने प्री वर्कआउट के तौर पे. बहुत अच्छे कार्बोहाइड्रेट आपको मिल जाएंगे, आपकी ड्यूरिंग वर्कआउट अच्छी एनर्जी रहेगी. और दूसरा जो मेरे भाई गेन करना चाहते हैं, मसल गेन करना चाहते हैं, उनको प्रॉब्लम लगती है मसल गेन करने में, वेट गेन करने में, वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं. बिगनर लेवल पर जो है, जो मतलब 3-4 हज़ार रुपये का प्रोटीन खरीदते हो, मसल रिकवरी होती नहीं है, रिजल्ट दिखता नहीं है, फिर डिसेटिस्फेक्शन मिलती है कि यार हमने पैसे भी फूके रिजल्ट मिला नहीं. तो इसको आप ट्राई कर सकते हो आपके मसल गेन या वेट गेन के लिए, जो भी हमारे इंटरमीडिएट लेवल बिगनर लेवल पर भाई हैं हमारे, और भूख नहीं लगती है. तो इसके अंदर आपको मिल जाएगा 60 ग्राम प्रोटीन पर सर्विंग, मतलब सुबह दोपहर शाम 3 सर्विंग लोगे तो आपको 60 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा, 3 ग्राम क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट मिल जाएगा, 5 ग्राम एल ग्लूटामाइन, 2 ग्राम एमसीटी ऑयल. एमसीटी ऑयल क्या होता है, हमारी भूख को, हमारी हंगर को, एपेटाइट को इंक्रीज करने में हेल्प करता है. बहुत सारे भाई कहते हैं भूख ही लगती तो खाना कहाँ से खाएं, तो इससे आपकी भूख भी बढ़ेगी, भूख बढ़ेगी तो खाना ज़्यादा खाओगे तो लिफ्ट ज़्यादा कर पाओगे, वेट गेन कर पाओगे, मसल गेन कर पाओगे. 1350 के आसपास कैलोरीज मिल जाती है इसके अंदर, 252 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है. तो भाई डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल रहा हूँ. 1 किलो का बॉक्स ज़्यादा महंगा नहीं, स्टार्ट करने के लिए 999 मतलब 1,000 रुपये का, इसके साथ ही कस्टमाइज शेकर फ्री है. तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऑफर का फायदा उठाओ, जाके बाय करो. अब हम चल रहे हैं अंदर जिम, जिम के अंदर म्यूजिक बहुत लाउड है, तो सीधे जाके वर्कआउट मारेंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे. बाय. We'll be right back.
जैसा हमारा वर्कआउट हो चुका है और वर्कआउट करने के बाद हम जा रहे हैं घर। और क्योंकि हम आज डेली ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो डेली ब्लॉग भी बना रहे हैं, जो ब्लॉग भी बनाना है तो हमें प्लीज़ एक्सक्यूज़ कर दीजिए कल सुबह तक। तो इसके बाद हम सीधे जब गाड़ी लेने जाएंगे तब आपको मिलेंगे, ठीक है। तो बड़ा मज़ा आ गया वर्कआउट में। और बल्किंग का डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया, जिसको भी वेट बढ़ाना है, मसल गेन करना है, बल्किंग ऑर्डर कर लो, डिस्क्रिप्शन में डॉक्टर चॉइस का। और अब हम यहाँ से करने चाहेंगे, आपको लेना चाहेंगे अलविदा। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। सो गाइस फाइनली आज 14-15 दिन के बाद हम जा रहे हैं हमारी रेंज रोवर लेने। भाई देख के आते हैं कैसी मॉडिफिकेशन हुई है उसकी, आप क्या क्या चेंजेस कराए वो आपको दिखाता हूँ। बॉम्ब बनने वाली गाड़ी आज, देखते रहो, लेट्स गो। तो गाड़ी में जो मुझे सारा काम कराना था वो अभी हुआ नहीं है, एक दो चीज़ें रह गई हैं। भाई ने बोला भाई एक आध दिन का और छोड़ दो, काम चल जाए। तो मैंने कहा भाई रखो लेकिन परफेक्ट करके दो, जितना काम मुझे चाहिए उतना काम मुझे करके दो। पीछे से गाड़ी की लुक दिखाता हूँ एक बार, ये देखो लग रही है ना काला बिजार। इसका रूप जो थी वो पहले ग्रे थी, अभी मैंने ब्लैक करा दी है, अभी लग रही है टोमेटो बच्चे हमारी। और कल दे दो 12:00 बजे। तो भाई अब एक दिन और ख़राब होगा इसे लेके आने के चक्कर में, क्योंकि अभी इसके टायर भी बदलवाने हैं हमें। टायर चेंज करा के पूरी गाड़ी फिर दिखाऊंगा भाई, बड़ी माता बच्ची हो रही है। 15 दिन हो गए, एक ने तो मुझे ये भी कह दिया भाई गाड़ी सच में खरीदी थी या बर्थडे बनाने के चक्कर में दिखा के वापस दे दी किसी की मांग के। जब ये वीडियो आ जाएगा तब पता लग जाएगा गाड़ी कहाँ गई है। ये देखो चैक्सी लग रही है। सो गाइज 14-15-16 दिन है। तो आज मैं गाड़ी फाइनली लेने आ गया हूँ। अभी घर इसमें कुछ काम रह गया ना, 16 दिन हो गए भाई। मैं कह दूंगा भैया गाड़ी आप रख लो, मुझे नहीं चाहिए, मैं छोड़ के आ जाऊंगा बहन। सही बता रहा हूँ, हमारी इच्छा मर ली चलाने की, मेरी इच्छा मर ली रेंज रोवर चलाने की। मैं 16 दिन हो गए कि मॉडिफाई होने, इतना सा काम दिया, अभी टायर भी ना डाले, टायर भी डलवाने, ठीक है चल के देखें कुछ भी कमी रह गई होगी ना भाई। मैं सच कह रहा हूँ छोड़ के भैया गाड़ी रख लो, तुम्हारा मन करे पैसे भेज देना, ना मन करे मत देना, रख लो साली जलाओ फोड़ो तोड़ो कुछ भी करो, दिमाग की दही कर कर। 16 दिन हो गए यार, तो अब चले फटाफट देखें गाड़ी हमारी कैसी लग रही है, चलो। तो भाई ऐसा है, 1 घंटा हो गया मैं बैठे बैठे, गाड़ी ना हो गई आपत हो गई। मैं कहा भाई रख लो, कह रहे भाई आधा घंटा और दे दो, आधे घंटे में फ्री कर देंगे तुम्हें। रेंज रोवर की वो बैजिंग जो है वो लगनी है, फिर सिनेमैटिक एंजॉय कर दी, ब्लैक कलर लगवा दिया है, तो देखना फिर बताना कैसी लगे। भाई गाड़ी हमारी हो गई रेडी बहुत दिनों के बाद, और ये हमारे नितिन भाई ऑटो मार्क, इन्होंने गाड़ी सारी हमारी जो छोटे मोटे चेंजेस किए हैं भाई ने किया। अब एक नज़र आप गाड़ी पर मारो, पहले कैसी लग रही थी और अभी कैसी लग रही। भाई गाड़ी हो गई हमारी जमाजम रेडी। देखो भाई ने ये स्क्रीन लगाई है, ये बड़ा बोरिंग ज़्यादा ब्लैक कलर का, इसको हमने कार्बन डिप करा दिया। और ये स्क्रीन और ये हमारी मिंट लाइट है, जो रात को एक शॉट रात में डाल देना, एक शॉट रात का डाल देंगे। तो अभी इसमें एक काम रह गया छोटा सा, टायर चेंज होने हैं, कलर का काम हो गया लेकिन टायर चेंज होने, टायर हम कल कराएंगे तो वो भी आपको दिखाएंगे। चलो तो भाई साहब क्या काम करके दिया इन लोगों ने गाड़ी में, मज़ा आ गया। लुधियाना जाना बच गया हमारा, छोटे छोटे काम हुए हैं लेकिन बहुत अच्छी लग रही है, जो मुझे चाहिए था वही हो गया गाड़ी में काम। अभी दिखाता हूँ आपको, ये देखो इसका शॉट एक मैं रात को डालूंगा। ये हमारे यहाँ वो बहुत बोरिंग से बटन थे ये, और हमारी ये एम्बिएंट लाइटिंग, अंदर का इतना काम है और बाहर का बताता हूँ। तो भाई आई होप आप लोगों को गाड़ी मॉडिफाई होने के बाद पसंद आ रही होगी, हमने इसको पूरा ब्लैक करा दिया है। पियानो ब्लैक मतलब गाड़ी ब्लू ही है, बाकी सब नीचे से और ऊपर से सब ब्लैक करा दिया है। एलॉय वगैरह पहले इसकी सिल्वर थे, उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा था। ये हमारी धार, ये हमारी रेंज,
ठीक है, तो बताना भाई कैसी लग रही है। अभी इसमें टायर डलने हैं, अंदर से भी आपको दिखा दूं। मैंने कहा था अभी, अब ये अंदर से लग रही है भाई हमारी गाड़ी। ये देखो इसके अंदर, ये हमने स्क्रीन डलवाई है यहाँ पे, ये एम्बिएंट लाइटिंग है। अभी ज़्यादा कुछ काम कराया नहीं, अंदर कुछ कमी लग रही हो तो बताना, मुझे तो ऐसी कोई खास कमी लग नहीं रही है, तो बड़ी सेक्सी लग रही है। और बाहर से तो तुमने देख ही लिया जो मैं बता रहा था, ये मैंने ब्लैक करा दिए हैं, दिन के अंदर बहुत अच्छे लगे, अभी दिख नहीं रहे इतने। और ये तुम्हारी ईवॉक, अब इसके अंदर कल हम टायर डलवाएंगे, फिर आपको दिखाएंगे पूरी गाड़ी फुल तैयार करा के।